नमस्कार मित्रों, मैं पंडित के शर्मा आपका गुरुदेव लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेकर। तो आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक बहुत ही जिज्ञासु विषय लेकर। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आने वाले वर्ष यानी 2019 के राशिफल की। प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2019, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की धनु राशि तक के जातकों का कैसा रहेगा यह वर्ष 2019। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2019। तो 2019 यानी मकर राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस दोनों में ही सफलता मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद व्यतीत होगा। हालांकि आपकी सेहत इस साल थोड़ी गड़बड़ा सकती है। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष इंगित करता है कि इस साल कैरियर के क्षेत्र में आपको विशेष तरक्की मिलने की संभावना है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन और सैलरी बढ़ सकती है। वहीं इस वर्ष आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और कमाई के नए साधन बन सकते हैं। यदि आप नौकरी या व्यवसाय में किसी भी विदेशी फर्म से जुड़े हैं तो इस साल आपको विदेश से तगड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। सितंबर के बाद का समय बिजनेस करने वाले जातकों के लिए कोई शुभ समाचार ला सकता है। घर में खुशहाली आएगी और परिजनों के बीच तालमेल दिखाई देगा। इस वर्ष आपके परिवार को एक सूत्र में बंधा हुआ महसूस होगा, या ये कहे पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहेगा, जिससे परिवार में एकता दिखाई देगी। घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ेगा और वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए भी यह साल बहुत ही बढ़िया व्यतीत होगा। इस साल आप अपनी लव लाइफ को खूब इंजॉय करेंगे। अगर आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो भी यह इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी हो सकती है। पढ़ाई में आपकी मेहनत सफल होगी और परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी की ओर से आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके द्वारा आपको कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और उन भावनाओं की कद्र भी करेगा। राशिफल 2019 के अनुसार कैरियर के लिए यह साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, या बढ़िया रहने के संकेत दे रहा है। इस वर्ष आपका कैरियर चमकेगा, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी। साल के प्रारंभ में ही आपको कैरियर में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। जनवरी और मार्च अप्रैल में आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल भी प्राप्त होता हुआ दिखेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन अथवा आपको कंपनी की ओर से कोई प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर माह आपके लिए कई खुशखबरी लेकर आएगा। व्यापार में आपकी उन्नति होगी। अप्रैल, जून या फिर अगस्त में आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। कंपनी आपको आपकी मनपसंद जगह पर भी भेज सकती है। इसमें विदेश जाने की भी संभावनाएं हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। अपनी योजनाएं कंपनी को लाभान्वित करेंगी या उनके द्वारा आप कंपनी को लाभान्वित करेंगे। आपकी संस्था में इस समय आपका कद ऊँचा होगा। आप इस वर्ष मल्टीटास्क की भूमिका में नजर आएंगे। संस्था में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध भी इस वर्ष स्थापित होंगे। आपको उनका सपोर्ट भी आगे बढ़ाएगा। वहीं जो जातक बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने साझेदार के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। यदि आप किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो उसे एक बार अवश्य पढ़ लें। बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर अपने हस्ताक्षर ना करें। इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष या आर्थिक जीवन मिला जुला रहेगा। इस वर्ष आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएँ हैं। जबकि आमदनी की बात करें तो उसमें भी वृद्धि की संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अधिक मुनाफा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। साल का पहला आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। पहला महीना आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। इस समय आपके पास धन का आगमन होगा और आमदनी के कई नए स्रोत भी बनेंगे। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाना चाहिए, या लगाम लगाना होगा तभी आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो पाएगा। घरेलू कामकाज में आपका खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की खरीदारी में भी आपकी जेब ढीली हो सकती है।
आर्थिक फैसले लेने से पूर्व अनुभवी लोगों से इस बारे में राय अवश्य ले लें, फिर जाकर कोई कदम उठाएं। घर की संपत्ति में वृद्धि होगी, परंतु इस संबंध में किसी तरह का विवाद भी हो सकता है। ऐसे में किसी भी मामले को आगे ना बढ़ाएं, अन्यथा कानूनी विवाद होने पर आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यदि आप अपनी संपत्ति का सही प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे धन लाभ प्राप्त होगा। जोखिम भरा व्यापार करने से बचें, और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इस समय इन्वेस्ट करते समय थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। आँख मूंद कर निवेश करने से आपको धन हानि हो सकती है। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने में आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, यदि आपने अपना आर्थिक प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया तो आपके ऊपर इस वर्ष कर्ज भी बढ़ सकता है। इस वर्ष 2019 अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई में आपकी मेहनत सफल होगी और परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन या एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। समय आपके अनुकूल रहेगा, इसलिए यदि आप मेहनत करते हैं तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे और पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। उच्च शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप किसी अच्छे संस्थान में दाखिला ले सकते हैं। यदि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दाखिला लेने से पहले उस संस्था के बारे में अच्छी तरह से जाँच पड़ताल कर लें। यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वर्ष बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपको परीक्षा की तैयारी भी डटकर करनी चाहिए। जो छात्र मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, या ये कहें उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतियोगी बहुत ही कठिन, एक तरह से प्रतियोगिता बहुत ही कठिन रह सकती है। तो वहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र के छात्रों को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। इस साल पढ़ाई के अलावा आप अपनी प्रतिभा का भी विकास करेंगे। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के जातकों का पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। आप अपने परिवार की खुशियों में शरीक होंगे और परिजनों के साथ कुछ बेहतरीन लम्हे व्यतीत करेंगे। घर में खुशहाली बनेगी, परिजनों के बीच तालमेल दिखाई देगा। यह वर्ष आपके परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। इससे परिवार की एकाग्रता दिखाई देगी, एकता बनी रहेगी, घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ेगा और वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। मई जून माताजी की सेहत के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें। पिताजी की सेहत दुरुस्त रहेगी। यदि पिताजी कहीं पर कार्यरत हैं तो उनको आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके द्वारा आपको आर्थिक मदद मिलेगी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, इससे आप अपने तमाम रिश्तेदारों से भी मिल सकेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद भी इस साल आपको मिला रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। ध्यान रहे, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आए। माता पिता का सम्मान करें और घर के छोटे सदस्यों को प्यार करें। यदि आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो घर वाले आपको पूरी तरह से उस कार्य के लिए सपोर्ट करेंगे। घर में भाई बहनों के किसी बात को लेकर उनके बीच में मनमुटाव भी हो सकता है, परंतु आप इस मनमुटाव को दूर करने की पहल करें। परिजनों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं या कोई घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। बात करें यदि आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी साल 2019 आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जीवन साथी और आपके बीच एक समझदारी देखने को मिलेगी। हर परिस्थिति में जीवन साथी आपकी ढाल बनकर आपके पीछे खड़ा रहेगा। साल की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, परंतु मार्च के बाद इसमें खुशियों के रंग घुलेंगे, या ये कहें कि खुशियों के रंग भर जाएंगे। जीवन साथी की ओर से आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा। उनके द्वारा आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और उनकी भावनाओं को भी कद्र करेगा।
अतः आपको भी उनकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ें। आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। वहीं यदि आपकी संतान है तो वह यह साल उसके लिए भी बढ़िया रहेगा, हालांकि उसके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या का सामना भी रह सकता है। अतः उसकी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। संतान आपकी खुशियों का इस वर्ष कारण बनेगी। इस वर्ष आपकी संतान निश्चित तरक्की करेगी। यदि किसी चीज़ को लेकर वह जिद करती है तो उसे प्यार से समझाने का प्रयास करें। आप अपने संतान के बौद्धिक विकास का या बौद्धिक विकास को प्राथमिकता दें। संतान पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय दें। प्रेम जीवन की बात करें यदि, तो यह वर्ष आपके प्रेम जीवन को भी खूब इंजॉय करने का वर्ष रहेगा। आपका प्रेम जीवन बहुत ही रोमांचक रहेगा। यदि आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा भी इस वर्ष पूरी हो सकती है। इस वर्ष आपका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होगा। प्रेम साथी से आपका नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा आप दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा सा महसूस कर सकते हैं। प्रियतम से आपके संवाद बढ़ेंगे। आप दोनों एक दूसरे को कंपनी देने में काफ़ी इंजॉय महसूस करेंगे। साथ में किसी पार्टी में जाना भी हो सकता है। जनवरी फरवरी मार्च मई जून और अक्टूबर माह आपके प्रेम जीवन के लिए अति उत्तम समय होगा। इस वर्ष जीवन साथी या प्रेम साथी आपके जज्बातों को अच्छे से समझेगा, आपकी कद्र करेगा। आप भी उसका भरोसा बनाए रखें और उसके भरोसे को ना टूटने दें। ऐसे कई मौके आएंगे जिनसे आप दोनों के प्यार में और गहराई बढ़ेगी। हालांकि साथी से छोटी मोटी तकरार भी संभव है। अपने प्यार पर शक ना करें और ना ही प्यार में कोई शर्त रखें। जो जातक प्रेम की तलाश में हैं उन्हें भी इस वर्ष प्यार मिल सकता है। यदि कोई नई रिलेशनशिप में है तो प्यार में जल्दबाजी दिखाने की कोशिश ना करें। अपने प्रियतम को पर्याप्त समय दें। खासकर शुरुआत में कामुक विचारों पर नियंत्रण रखें। यदि साथी को किसी बात की कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का तुरंत प्रयास करें, वरना आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो इस वर्ष आपकी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। यह साल आपकी सेहत के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। शुरुआत के 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च आपकी सेहत थोड़ी दुरुस्त रहेगी। इस समय आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, परंतु इसके बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साल के अंतिम माह दिसंबर में भी आपको कोई शारीरिक समस्या या शारीरिक प्रॉब्लम आपको एक प्रकार से हो सकती है। अनिद्रा रह सकती है, जैसे नेत्र संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द, पेट संबंधित कोई रोग भी आपको हो सकता है। इस वर्ष आप अपने को फिट रखने के लिए योग और एक्सरसाइज करें। यदि किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। इस समय आप थोड़ी सी कमजोरी भी महसूस कर सकते हैं। काम करते समय भी आपको थकान महसूस होगी। आपके जीवन में ऊर्जा की थोड़ी सी कमी रह सकती है। इसके अलावा मन में किसी प्रकार की कोई बेचैनी भी संभव है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो इस समय आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि चिकित्सक ने किसी चीज़ को खाने पीने से परहेज किया है या मना किया है तो उसका पालन करें और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जिससे आपकी सेहत को कोई ज़्यादा नुकसान हो। हेल्दी फूड खाएं, बासी फास्ट फूड, तला भुना खाद्य पदार्थों से दूरी बनाकर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तो कह सकते हैं थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, कमेंट करें, लाइक करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। तो दोस्तों, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष हम किसी और नई जानकारी या ज्ञानवर्धक विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें।